हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। आप वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ भी इस मेकअप को कैरी कर सकते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ भी कैरी कर सकते हैं। न्यूट्रल न्यूड ग्लैमरस मेकअप लुक है। श्रुतिका अर्जुन बिग बॉस में आ रही है, जो आजकल बिग बॉस सीजन 18 में, उनसे इंस्पायर्ड मेकअप है। श्रुतिका बहुत ही ब्यूटीफुल विंग्ड आईलाइनर लगाती है, मेन हाईलाइट ही वही होता है पूरे मेकअप लुक का, एंड ओवरऑल मेकअप बहुत प्रिटी सा होता है। एंड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लाइक शी हैज़ वेरी ब्यूटीफुल फीचर्स। और मैंने श्रुतिका जैसा मेकअप करने की यहाँ पे कोशिश की है, लैक्मे सीसी क्रीम को यूज़ करके क्रिएट किया है। लैक्मे सीसी क्रीम मुझे बहुत पसंद आई है, फाउंडेशन से भी ज़्यादा अच्छा काम कर जाती है वो बहुत बार। नो फाउंडेशन मेकअप लुक है ये बेसिकली, एंड स्टिल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फिनिश आया है। सो फर्स्ट थिंग, मैं लगा रही हूँ पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर, जो इनसाइट कॉस्मेटिक्स का है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल आता है, 100 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाएगा। क्वालिटी बहुत अच्छी है, पोर को मिनिमाइज करने में डेफिनेटली हेल्प करता है, बेनिफिट पोर प्राइमर का ड्यूप है। फिर मैं लगा रही हूँ लॉरियल का ये कंसीलर। आप कोई भी अपने स्किन से मिलता जुलता कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं अपने पिगमेंटेशन पर, अगर आपके फेस पर है तो, अगर नहीं है तो यू कैन स्किप एज वेल। मैं बस मेकअप को ज़्यादा फ्लॉलेस करने के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, और जहाँ जहाँ पर मैंने लगाया है वहाँ वहाँ पर मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ। और हाँ, मैंने मेकअप शुरू करने के पहले अपना स्किन केयर अच्छे से किया हुआ है, मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है, अदरवाइज मेकअप ना केकी हो जाता है। फिर मैं अब अप्लाई कर रही हूँ लैक्मे सीसी क्रीम, दो शेड्स में आती है। आई थिंक मेरे पास जो ये सबसे लाइट वाला शेड है ना, मैंने ये वाला अप्लाई करा। इट हैज़ वेरी ब्यूटीफुल फिनिश, बहुत इजीली चेहरे पर अप्लाई हो जाती है, ब्लेंड हो जाती है, केकी नहीं करती है अपने मेकअप के फिनिश को ना, बाद में काफ़ी लंबे टाइम तक टिकी भी रहती है। और कवरेज बहुत अच्छी है, मीडियम से ज़्यादा है, मीडियम टू हाई कवरेज ये देती है। काफ़ी अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग है, सनस्क्रीन भी इसमें है। आई रियली लाइक दिस लैक्मे की सीसी क्रीम। आप देख सकते हैं, खाली मैं लैक्मे की सीसी क्रीम लगाने के बाद भी इतनी कंफर्टेबल हूँ ना, आप मुझे कोई भी और मेकअप ना भी करना ना तो आई एम फाइन विद इट। बट चलिए मेकअप कंटिन्यू करते हैं। मेबलिन का मैं फिटमी कंसीलर इस्तेमाल कर रही हूँ 10 लाइट में, विच इज़ 2-3 शेड्स लाइटर देन माई स्किन टोन। इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने हाई पॉइंट्स ऑफ फेस पर, जिन जिन एरियाज़ पर ना लाइट पड़ती है, ताकि वो और अच्छे से हाईलाइट हो जाए और वो ब्राइट दिखे एरियाज़, जिससे मेरा चेहरा ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो अंडर आई एरिया पर इन्वर्टेड वी शेप में मैंने लगाया, आईलिड को प्राइम करने के लिए लगाया है, ब्रिज ऑफ नोज़ पर पतला सा लगाया ताकि नोज़ स्लेंडर और स्लिम दिखे, मिडल ऑफ फॉरहेड पर लगाया है, और अपने माउथ के एरिया अराउंड एरिया पर, लिप्स के अराउंड एरिया पर अप्लाई करा और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लिया। फिर मैं ले रही हूँ एले गर्ल का प्रो कॉन्टोर, हल्का सा कॉन्टोर यहाँ पर मैं ब्रिज ऑफ नोज़ के साइड्स में लगा रही हूँ। अभी मैंने कॉम्पैक्ट या लाइट पाउडर से ना सेट नहीं करा है मेकअप को, उसके पहले ही मैं ये पाउडर कॉन्टोर अप्लाई कर रही हूँ। काइंड ऑफ इस तरीके से ना लिक्विड कॉन्टोरिंग का काम करेगा। श्रुतिका का फेस बहुत स्लेंडर है, बहुत स्लिम और चिजल्ड लुक देता है, तो इसलिए लिक्विड कॉन्टोरिंग आप कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से ना, अगर लिक्विड कॉन्टोर आपके पास नहीं है या फिर नहीं करना चाहते हैं कि डिफ़िकल्ट लगता है कुछ, तो ऐसे पाउडर कॉन्टोरिंग को आप अपने लिक्विड मेकअप के ऊपर कर सकते हैं। मैंने साइड ऑफ फेस पे लगाया है, अपने जॉ लाइन एरिया पर लगाया है, और उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि अभी हमने अपने लिक्विड मेकअप के ऊपर ही पाउडर को लगाया ना, तो एक खुद ही पाउडर थोड़ा थोड़ा लिक्विडी सा बन करके ऐसा सेट हो जाएगा, और थोड़ा ज़्यादा हमें डिफाइंड कॉन्टोर लुक यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप अच्छे से कॉन्टोर करके ब्लेंड कर सकते हैं, एंड आप देख सकते हैं एक साइड मैंने कॉन्टोर किया है, एक साइड नहीं किया है, तो थोड़ा डिफरेंस आता है, डेफिनेटली आता है। ओवरऑल एक मॉडल जैसा चिजल्ड इफेक्ट आता है जब आप कॉन्टोर करते हैं। फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैंने हल्का सा ब्लेंड कर लिया, ब्यूटी ब्लेंडर भी डैम्प है अगेन, तो लिक्विड वाला चीज़ है। अब यहाँ पर अच्छे से हो गया हमारा लिक्विड कॉन्टोरिंग वाला काम, यहाँ पर अच्छे से हो गया विदाउट इवन यूजिंग लिक्विड या फिर स्टिक वाला कोई क्रीम कंटूर। फिर मैं ले रही हूँ स्टील पैरिस का कॉम्पैक्ट, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल आता है और बहुत ही हाई क्वालिटी है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो मैं इससे अच्छे से अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ, और मैं स्पेशली उन एरियाज़ ऑफ फेस पर लगा रही हूँ जहाँ पर मैंने कॉन्टोर नहीं लगाया हुआ है, और जहाँ कॉन्टोर लगाया ना वहाँ पर मैं ना के बराबर बिल्कुल हल्का सा लगाऊंगी, ताकि बस कॉन्टोर सेट हो जाए लेकिन कॉन्टोर के शार्प एजेस रहें। फिर मैं ले रही हूँ लैक्मे 3D ब्राउ डिफाइनर इन द शेड एस्प्रेसो। और मेरे आईब्रोज में वैसे तो माइक्रो ब्लीडिंग हो रखी है, तो मुझे आज तक जितनी ज़रूरत नहीं होती आईब्रो पेंसिल की, लेकिन जब फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं ना तो थोड़ा सा ऊपर लग जाता है, तो लाइट हो जाते हैं आईब्रोज। तो आईब्रो पेंसिल को आप अच्छे से लगा लें, और मेनली आपको करना क्या है ना, जो आर्क होती है हमारी जहाँ पर ये कट आना शुरू होता है आईब्रो का, इसको ऊपर की तरफ ले करके जाना,
ऐसे डिफाइन करना है, बिकॉज श्रुतिका की आईब्रो ऐसे थोड़ी उठी हुई रहती है, एक आईब्रो अच्छे से जो ऊंची उठेगी ना तो बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सा लुक देता है आर्क आईब्रो वाला। तो उस तरीके से मैंने दोनों आईब्रोज कर लिए हैं। अब मेरे को लेना है ब्राउन कलर के मिक्स शेड्स, हुडा ब्यूटी पैलेट से मैंने ले लिया मैट शेड्स, अपने ट्रांजिशन लाइन में मैंने लगा लिए और फ्लफी ब्लेंडिंग आई शेडो ब्रश की मदद से मैंने इसको अच्छे से अपने ट्रांजिशन लाइन में ब्लेंड कर दिया। हल्का सा लगाना है बस, इससे क्या होगा एक डेप्थ मिल जाएगी हमारे आईज को, एक डेफिनेशन मिल जाएगा और एक अच्छा सा लुक आ जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि न्यूडी लुक कर रहे हैं हम, तो ये ऑरेंजेस शेड्स हमने मिक्स कर लिए और हल्का सा इनको हम लगा देंगे आईलिड पर। आपके पास शिमर वाला मेटालिक ऑरेंजेस ऐसा शेड है तो आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, मेरे किसी भी आई शेडो पैलेट में मुझे नहीं दिखा तो इसलिए मैंने ना सोचा कि पहले मैट वाला लगा लेती हूँ और इसके बाद में मैं इसके ऊपर अगर सिल्वर शिमर या ऑरेंजेस शिमर या कुछ भी ऐसा लगा दूंगी गोल्डन शिमर टाइप तो मेरे को वो लुक मिल जाएगा। तो मैंने दो शिमर शेड्स ऐसे पीची ब्राउनी से मिक्स करे और उनको अप्लाई कर लिया मेन अपने आईलिड एरिया के ऊपर। तो नीचे क्योंकि पीचिश ऑरेंज बेस है ही है तो इसके ऊपर ये लग गया, तो मुझे मेटालिक ऑरेंज जैसा शेड चाहिए है न्यूड टाइप वाला लुक वाला, वो मुझे यहाँ पर मेरे आईलिड पर मिल गया। आई शेडो हमारे यहाँ पर डन है। इसके बाद मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड आईलाइनर, बहुत अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है। आपको आईलाइनर लगाना है बट यहाँ पर मोटा मोटा आईलाइनर लगाना है, मेरे आईलिड्स छोटे हैं तो मैंने उतना मोटा नहीं लगाया जितना श्रुतिका लगाती है, बट येस इसको मैं बिल्डअप ज़रूर कर सकती थी और मोटा लगा सकती थी तो और बेटर और ज़्यादा क्लोज लुक आ जाता है श्रुतिका से। लेकिन मुझे ना कहीं पार्टी में निकलना था तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी में लगाया है तो मैं कर नहीं पाई, इतना टाइम नहीं था, बट स्टिल आईलाइनर इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी। अब मुझे जहाँ तक देख करके लगा फॉल्स आई लैशेज़ तो श्रुतिका के अपर लैशेज़ पे मुझे नहीं लगे, तो मैंने इसलिए टू फेस्ड का बेटर देन सेक्स मस्कारा लिया वाटरप्रूफ वाला और उसको मैं अपर लैशेज़ पर अपने लगा रही हूँ अच्छे से, ऊपर की तरफ से भी नीचे की तरफ से भी, ताकि अपर लैशेज़ मेरे अच्छे से डिफाइन लगे। वो तो मस्कारा तो लगा होता है श्रुतिका की आँख में, लेकिन हाँ मुझे फॉल्स आई लैशेज़ नहीं दिखे जिस लुक से मैं इंस्पायर्ड करी हूँ तो मैंने नहीं लगाया। नीचे भी मैंने कुछ नहीं लगाया अंडर आई में। और फिर मैंने लिया स्विस ब्यूटी का ब्लशर जिसमें हल्का सा ना शिमर भी है तो एक ग्लो भी आ जाएगा, पीचिश पिंकिश का मिक्सचर मैंने लिया, मेनली ज़्यादा मैंने पीच कलर लिया बिकॉज न्यूडी पीची टाइप ऑफ लुक हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं और उसको मैंने अपने ब्लश लाइन पर अप्लाई कर लिया जस्ट अबव माय कॉन्टोर लाइन जहाँ पे कॉन्टोरिंग की उसके जस्ट ऊपर की तरफ। और फिर इसमें हाईलाइटर भी है तो मैंने हल्का सा सिल्वर हाईलाइटर लेकर के हाई पॉइंट्स ऑफ फेस पर अप्लाई कर लिया है। एंड इसके बाद में ना चीक बोन्स पे मैं अच्छे से हाईलाइटर लगा रही हूँ बिकॉज चीक बोन्स पे अच्छे से दिखता है श्रुतिका का हाईलाइटर। और फिर मैंने सोचा थोड़ा सा गोल्डन टोन की और ज़रूरत है इसलिए मैंने शुगर का कॉन्टोर द फोर्स का ये शैम्पेन 01 शेड वाला हाईलाइटर भी ले लिया है और इसको इसके ऊपर टॉपअप कर दिया। दोनों ही हाईलाइटर्स बहुत अच्छे हैं, चंकी पार्टिकल्स नहीं हैं और शाइन बहुत अच्छा देते हैं फेस पर, बहुत ब्यूटीफुल सा ग्लो आता है और थोड़ा ड्यूई मेकअप वाला फिनिश आ जाए। इसके लिए मैंने मिलानी का ये ड्यूई वाला जो स्प्रे आता है मेक इट ड्यूई फिनिशिंग स्प्रे, ये अप्लाई कर लिया अपने चेहरे पर। इससे क्या है मेरे सारे मेकअप के ना लेयर्स आपस में ब्लेंड हो गए और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी हो गया और ड्यूई भी हो गया। और मैं अब लगा रही हूँ वन ऑफ माई फेवरेट लिपस्टिक्स, ये है हुडा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड ट्रेंड सेटर। क्या फॉर्मूला है ना, सीरियसली क्या सॉफ्ट है लिप्स पर। दिस इज़ नॉट प्योर मैट मैट, ड्राई वाला मैट है बट थोड़ा सॉफ्ट वाला फॉर्मूला है एंड आप देख सकते हैं कितना प्रिटी मेकअप लुक आया है। I am definitely feeling beautiful and more confident. वैसे भी अपनी स्किन को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसे हम विदाउट मेकअप लगते हैं वो भी अच्छा है बट मेकअप करने में भी क्या हर्ज है ना, और सुंदर लग जाते हैं और खूबसूरत लगते हैं और बाहर जाने में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है मेकअप लगा करके, कभी कभी तो मूड भी अच्छा हो जाता है पता है। कमेंट्स में ज़रूर बताना मेकअप लुक आपको कैसा लगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करना पसंद आया हो तो। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल वर्तिका आनंद अगर आपको ऐसी मेकअप लुक्स देखना अच्छा लगता है तो, और मुझे बताना ज़रूर कमेंट में आप और कौन से मेकअप लुक्स देखना चाहते हैं रिक्रिएट करते हुए मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।